अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शायान सलीम। कहते हैं कि जोड़े आसमान पर बनते हैं, मगर आज के दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि जोड़े सोशल मीडिया पर बन जाते हैं। एक हमारे साथ पाकिस्तानी भाई हैं जो माशाल्लाह रशिया से हसीना को लेकर आए हैं। फेसबुक पर तो हमने सुना है कि दोस्तियाँ होती हैं, इनकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई और फिर वो दोस्ती वो रिश्तेदारी में बदल गई और फिर बिल आखिर जो हमारी रशियन भाभी है वो अपना मुल्क अपना घर छोड़कर फैसल की मोहब्बत में पाकिस्तान आ गई और यहीं हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यार फैसल, क्या ऐसी तुम्हारे पास गीदड़ सिंगी है कि जो बेचारे बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि यार कहीं ना कहीं उनका भी टांका लग जाए किसी बाहर की मुल्क की लड़की से शादी में, वो नाकाम हो जाते हैं। यार टैलेंट कैसे आया तुम्हारे पास? देखें, पाकिस्तानी जो हैं वो आप लोगों को तो पता है पूरे दुनिया में टैलेंटेड उनकी कहानियाँ स्टोरीज आती रहती हैं, तो मैंने सोचा कि कराची के लड़के को भी कुछ टैलेंट दिखाना चाहिए इंटरनेशनली, कि वो भी किसी से कम नहीं है। तुमने बताया कि इनको पाकिस्तान का पता ही नहीं था, वजूद है पाकिस्तान कोई मुल्क है, इनको ये नाम भी नहीं पता था। इन्होंने बड़ा बारीकी से इनको ट्रैप किया, खातून को अपने आप को हिंदुस्तानी बताया तुमने। है सर, मुझे जो है इन्होंने इंडियन समझा था और भारतीय समझ के इन्होंने मुझसे बात शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरा कलर जो है ना वो लाइक इंडियंस का और पाकिस्तानियों का कलर कुछ मैच करता है, तो मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उनका कलर मुझसे मैच करता है, तो ये मेरे लिए एक बड़ी प्लस पॉइंट थी। दूसरा ये कि मैंने इनके साथ जो है ना लाइक कहीं पर ये झूठ नहीं बोला कि मैं जो है ना आपके जो है भारतीय हूँ या ऐसे हूँ। मैंने बात को जारी रखा, मैंने गाने से शुरू किया और उसके बाद फिर मैंने उसी गाने को आगे कंटिन्यू करते हुए बात को कंटिन्यू करते हुए दोस्ती की तरफ गया, और दोस्ती के बाद फिर मैंने जब इनको देखा कि इनका मुझ में कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट आ चुका है, तो फिर मैंने इनको जो है सच बताते हुए ये कह दिया कि जी मैं भारत से नहीं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान कैसा लगा आपको, और जो आपकी मोहब्बत है फैसल, जिसके लिए आप अपना मुल्क छोड़ के सात समंदर पार कर गए, ये बंदी यहाँ आ गई है, तो कैसा फील हो रहा है? सब किस्मत की बात है। और दूसरे बार जो कोई भी नहीं पता है कल क्या हो जाएंगे, मैं भी नहीं पता था जो मेरी ज़िंदगी में कभी एक पाकिस्तानी लड़का आ जाए। इंट्रैक्शन कैसे हुआ? पहली बार वॉइस नोट पे बातचीत हुई, वीडियो कॉल पे हुई? सबसे पहले तो इनका मैसेज आया रशियन जबान में, तो मैंने मैसेज देखा और मैंने कहा कि यार ये लिखा हुआ क्या है। तो उसके बाद फिर मेरा एक दोस्त था, क्लासमेट है, उसने मुझे बताया कि यार ये मैसेज आप लोग आप जो हैं वो देख सकते हैं गूगल ट्रांसलेट से। तो फिर मैंने जल्दी से गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड किया और इसके बाद जब मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके कन्वर्ट किया तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि आपकी तस्वीर अच्छी है, आप गाने अच्छे गाते हैं, मुझे गाने आपके पसंद आए। अपना घर छोड़कर एक ठंडा ठार मुल्क यार रशिया, जहाँ सर्दी ही पड़ती है, एक गर्म मुल्क में आप आ गई और इस मोहब्बत में यानी कि गिरफ्तार हो गए फैसल की, इस गर्मी को भी आप बर्दाश्त कर रही हैं? बिल्कुल, पहले बहुत मुश्किल हो रहा है पर बाद में बहुत सही है, ऐसे भी सही। और ये पाकिस्तान आने के लिए आपको घर वालों ने मना किया, किसी ने कहा कि यार मत जाओ, हमें छोड़ के जा रही हो, आप हो भी अकेली, अपनी माँ की अकेली औलाद हो आप? ये सबसे मज़े की बात है, जो लड़की जो कभी भी अपने बाप माँ के मतलब नहीं बोलने बाहर नहीं गई थी कभी भी, ऐसे अकेले जहाज में बैठे और पाकिस्तान आए। पहले कभी भी किसी मुल्क में नहीं गई? कभी भी नहीं। यार ये तो बड़ी अनोखी बात है यार, पहले कभी भी खातून ने विजिट ही नहीं किया किसी और मुल्क का, और डायरेक्ट पहला जो इनका इंटरनेशनल सफर था वो पाकिस्तान का ही था। घर में कौन याद आता है? अम्मी आती है, अबू, और कौन कौन है घर में आपके? कौन कौन है? सिर्फ अम्मी है। अच्छा, सिर्फ अम्मी है जी। तो अम्मी से बातचीत होती है वहाँ? जी, मैं रोज़ बात कर रही हूँ, वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे, पर ज़्यादा उसको रोने आते हैं जब वीडियो कॉल पे, इसलिए मैं कम वीडियो कॉल करती हूँ। ये माशाल्लाह मुस्लिम घराने से इनका ताल्लुक़ है, इनके लिबास से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, मशरक़ी लिबास इन्होंने ज़ैबतन किया हुआ है, तो ये एक मुस्लिम खातून है। क्रिश्चियन मज़हब से भी ताल्लुक होता है इनका, तो मेरे पेरेंट्स थोड़े मजहबी टाइप के लोग हैं, तो वो तो उसको अंदर घुसने ही नहीं देते गेट से, तो जब मैंने देखा कि मुस्लिम स्टेट्स हैं तो मैंने कहा कि यार यहाँ पे ये तो बेहतरीन हो गया। फिर बाद में फिर मैंने इनको बताया कि जी मैं ऐसे ऐसे लड़का हूँ, मेरा ताल्लुक कराची से है और यहाँ की बिरयानी बहुत मशहूर है, आपको मैं एक बार प्लीज़ बुलाना चाहूँगा जो है विज़िट वीज़ा पे, ताकि आप एक बार यहाँ से होके चली जाएँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब आप
जाके खाने और यहाँ की जगह देखेंगे तो आप वापस जाना नहीं चाहेंगे। तो मैंने जब ये चीज़ इनको बताई तो उस चीज़ के अंदर भी जो है ना पड़ गई और वहाँ से इनका सफ़र का जो है ना वो मूड बन गया। बड़े सस्ते में तुमने टरखा दिया बिरयानी के नाम पे भाई। वैसे कहाँ की बिरयानी खिलाई, खाई बिरयानी खाई आपने कराची की, बड़ी मशहूर है दुनिया में जी। बहुत पसंद आए, आज तक मुझे बिरयानी बहुत शौक से। फैसल से ज़्यादा पसंद है बिरयानी? फैसल अबे भाई ये तो बिरयानी तो फिर कहीं के भी अच्छी खा लेंगे फिर निकल जाओगे तुम, साइड पे हो जाओगे। नहीं नहीं, बिरयानी लड्डू और बिहारी वगैरह सब खाने वगैरह इनको खिलाएं, बहुत पसंद। बिरयानी कौन सी मसाले वाली पसंद है या पूरे स्पाइसी? कराची वालों को स्पाइसी बहुत पसंद है खाने। मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, हरी मिर्ची तो ये ऐसे उठा लेते हैं जैसे वो कोई लड्डू है, ऐसे उठा के पूरी अंदर डाल लेते हैं। तो मेरा चेहरा देखने वाला था, मैं कहता हूँ कि ये अपने कैसे तोते की तरह बोलती होंगी फिर तो ये। हम तो तोतों को देते हैं हरी मिर्च। बिल्कुल ऐसे ही है, जब ये बोलना शुरू करती है तो फिर मैं टीवी देख रहा होता हूँ, बस ऐसे सीन होता है। जब मैं गुस्सा करूँ उसको खिलाती हूँ। अच्छा, जब गुस्सा करती है तो ये आपको मिर्चें खिला देती हैं? जी, मिर्चें मुझे खिलाती हैं। लेकिन ये तो बड़ा वो मेंटली टॉर्चर है ये तो। नहीं, मैं खाता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे दोस्त की कॉल आ रही, मैं आ रहा हूँ बाहर, तो मैं कभी कभी इस तरह भाग जाता हूँ। खाना बना लेती हैं आप? जी, मैं बिल्कुल सारे खाना बनाते हैं। पाकिस्तानी खाने आते हैं इनको बनाने? पाकिस्तानी खाना बनाना सीखा है, सबसे पहले चाय बनाना सीखा है। चाय आ गई इनको, पहले क्या वहाँ क्या बनाती थी रशिया में आप? वहाँ पे मैं सब कुछ बनाती थी। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे बचपन से सारे लड़के को सबसे पहले खाना बनाना सिखाते। अच्छा यार, ये कौन सा ऐसा है भाई, और भाइयों की भी मदद कर दो, कोई किसी को हेल्प मिल जाएगी यार। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आपके अंदर कोई टैलेंट है मेरी तरह तो फिर आप ट्राई करें, वरना आप रहें। ज़्यादातर देखते हैं ऐसे जो शादियाँ होती हैं बाहर से जो लड़कियाँ आती हैं यहाँ, वो लड़के ज़्यादातर पीआर के चक्कर में होते हैं, कोई अमेरिकन खातून आ गई तो कहते हैं कि यार चलो बाहर फिट हो जाएंगे, उस मुल्क चले जाएंगे, वहाँ उसके साथ रहेंगे, पाकिस्तान छोड़ देंगे। उन्हें भी सोचा हुआ तो होगा कहीं ना कहीं, लालच तो आई होगी, मान लेना यार। देखिए, मैं आपसे सच्ची बात कहूँ कि मेरे दिल में ऐसी कोई लालच नहीं थी, मैंने कभी भी पाकिस्तान से जाने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर बंदे के अंदर टैलेंट है और अपने मुल्क के लिए सोचता है तो वो पाकिस्तान में रह के बहुत कुछ कर सकता है। कोई ख्वाब होगा कि यार कोई बड़ा आलीशान घर होगा, गाड़ियाँ होंगी, सब कुछ होगा, महल होगा, जब इसको देखा गया तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बड़ी कोई ना इसके पास भाई कोई लग्जरी लाइफ गुजार रहा है, एक छोटा सा घर है और घर में एसी भी नहीं है। लेकिन जवान की बच्ची देखें फिर भी रह रही है। सब कुछ दौलत और पैसे से नहीं बनता, पैसे आते जाते हैं पर मोहब्बत हमेशा के लिए दिल में होता है। ये इसने सिखाया तो नहीं है? नहीं, पक्की बात है। अच्छा, उर्दू कहाँ से सीखी है? गूगल। एक साल में उर्दू भी सीख ली? नहीं, उर्दू बहुत ज़्यादा ख़राब थी पहले, उर्दू भी सिखाई इनको और थोड़ी सी अभी मैं कोशिश करूँ कि हम लोग पंजाबी तो पंजाबी थोड़ी सी सिखाया जाए ताकि थोड़ा सा तड़का लग जाए दाल के ऊपर। ये बताएं, क्या गाना ऐसा सुना है जिसकी वजह से ये बड़ी मुतासर हो गई आपसे, ज़रा वो गाना क्या था और इन्होंने कैसे समझा? मुझे हैरत ये हो रही है कि आपने उर्दू में गाना गाया होगा, हिंदी में, और इन्होंने समझ कैसे लिया? इनका फेवरेट सिंगर था जुबिन नौटियाल, वहाँ के फेवरेट सिंगर हैं, तो पाकिस्तानी का तो कॉन्सेप्ट नहीं था, तो मैं कोशिश करता मैं पाकिस्तानी भी सुना देता, लेकिन बॉलीवुड का गाना है वो मैं बेगम को सुनाना चाहूँगा, जो मैंने इनको वीडियो कॉल में पहले दिन सुनाया था, तो मैं सुनाना चाहूँगा। दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा, तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा, कि जब तक जीऊँ मैं जीऊँ साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊँ तेरी गली का, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। गुस्से में इंसान बड़ी यहाँ पे कुछ भी ओल फोल बोल देता है, गालियाँ तक दे देता है। आपने रशिया में कभी इनको रशियन लैंग्वेज में कुछ ऐसा बोला है कि यार इनको पता ही ना चल रहा हूँ आप बोले जा रही हो, ऐसे कोई वाक्या तो हुआ होगा? इन्हें बेगम बता देना चाहिए, क्या कहते हैं? हाँ, आज खोल दो यार, आज रास के सारे पर्दे खोल दो। जब मैं कॉफ़ी अच्छी नहीं बनाता तो थोड़ी कॉफ़ी तुम बनाते हो? जब चाय ये बनाती हैं तो कॉफ़ी फिर मुझे बनानी पड़ती है, और कॉफ़ी जब मैं जब चीनी कम हो जाती है तो बेगम कुछ रशियन में बोलती है, मुझे समझ में नहीं आता। रशियन में क्या बोलती हैं उसको, ज़रा हमें तो सुना है, हम ज़रा रशियन तो सुने हैं आपके मुँह से। मैं समझ गया, ये कोई बड़ी गाली है ये।
सासू माँ से कैसी बातचीत है? बहुत अच्छे। कहती हैं कि यार ये क्या बना रही हो, घर को तुमने साफ करो, ये करो, वो करो। यहाँ तो भाई हमारे यहाँ तो ये कल्चर है। मेरे खाना सबको ज़्यादा पसंद है घर में। पूरे रमज़ान मुबारक में इन्होंने सहरी और अफ्तार जो है इन्होंने बनाए थे, और पकोड़े जो है बहुत अच्छा बना लेती हैं। पकोड़े इनको बहुत पसंद हैं, लेकिन इनके पकोड़े दो तरह के बनते हैं, एक मिर्ची वाले होते हैं और एक बगैर मिर्ची वाले होते हैं। तो जो बगैर मिर्ची वाले होते हैं मैं वो पसंद करता हूँ। रशिया में कोई लड़का पसंद नहीं आया था जो यहाँ पे आपने सोचा कि यार पाकिस्तानी है, या तो सिर्फ आवाज़ की वजह से आप इनको दिल दे बैठे? मैं कभी भी इस तरह नहीं देख रहे थे, रशियन लड़का ऐसे पसंद नहीं। सबको भाई समझती थी? हाँ, सबको भाई समझती। अपने मुल्क के ही लड़के पसंद नहीं आए, पाकिस्तानी को पसंद कर लिया। अगर ये कहे कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, इजाज़त दे देंगी? कोई बात नहीं, करते हैं। ये तो लकी बंदा है। नहीं जी, है दूसरी शादी की इजाज़त दे देंगी कोई? हाँ क्यों नहीं, अगर अच्छे लड़के मुझसे ज्यादा अच्छे मिल जाएंगे तो प्लीज। मैं आपको अभी भी बताता भाई, यहाँ दूसरी शादियों पे क्या कुछ नहीं हो जाता है यार। फिर आप क्या करेंगी? मैं वापस जाऊंगी। वापस रशिया चली जाएंगी? क्यों फिर, जब आप खुद कह रही हैं मैं इसको इजाज़त दे दूंगी। अगर मुझसे ज्यादा अच्छे लड़के उसको मिले तो मैं उसको खुद छोड़ूंगी, जाऊंगी, उसकी शादी दूसरी करूंगी। अगर किसी लड़की से बात कर रहे हो तो आपको एतराज होगा? जी बिल्कुल। अच्छा, जब तक वो मेरे शोर से बता दिया कि पाकिस्तानी लड़कियों वाली सोच है इसकी। यानी कि आप ये किसी से बात करेंगे लड़की से तो आपकी तरफ से इजाज़त नहीं है? मोबाइल चेक करती हैं आप इसका? नहीं नहीं करती, भरोसा है पूरा। पर ये तो चेक करे मेरे फोन। नहीं, मैं इसलिए चेक करता हूँ। अच्छा, ये चेक करता है आपको फोन? जी, मैं इसलिए चेक करता हूँ कि वालदा से बात हो जाए या उनकी आवाज़ सुनना चाह रहा होता हूँ। तो नहीं, ये तो कहानी बना रहे हो बेटा, तुम कहानी बना रहे हो, चेक करता है। अरे यार ना करो यार, अगली तुम पे इतना भरोसा कर रही है, तुम इसका मोबाइल चेक कर रहे हो यार। सबसे ज्यादा भरोसा लड़की करते है, पर लड़का कभी भी लड़की से भरोसा नहीं करते। दिल की बात कही है इस बंदी ने, वाकई में ज्यादातर धोखे लड़के करते है ना। जी बिल्कुल। यकीन आ गया कि यार एक रशियन लड़की तुमसे शादी के लिए पाकिस्तान आ रही है? यानी कि तुमने कहा यार मेरे जैसा एक आम सा लड़का है ना, जिसके पास इतनी दौलत है ना, आसाइशें हैं, मैंने वो क्या देख के आ रही है, मैं क्या पहला इंटरेक्शन कैसा होगा जब मिलेंगे? मुझे तो शादी के एक महीने के बाद भी दौरे पड़ रहे थे। जब मैं सो के उठता था तो मैं अपने चेहरे को हाथ लगाता था कि मैं वाकई में मेरी शादी हो चुकी है या मैं अभी भी कोई ख्वाब देख रहा हूँ। तो इस तरह मेरा भी टाइम गुजरा है। फैसल और मरियम ऐसा कोई पहला केस नहीं है, ऐसा पहला कोई कपल नहीं है कि जिन्होंने इस तरह शादी की हो। इससे पहले भी ये रुझान देखा गया है कि पाकिस्तानी हैं वो बाहर से गैर मुल्की लड़कियों को पाकिस्तान बुलाते हैं, उनसे दोस्ती पहले होती है, फिर बाद में वो शादी में बदल जाती है। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।